पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की छठे दौर की बातचीत अगले हफ्ते होगी। तनाव कम करने की दिशा में अब तक नाकाम रही पांच दौर की सैन्य स्तर की वार्ता को पटरी पर लाने की कोशिशों में दोनों तरफ से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। भारत और चीन के कोर कमांडर की इस बातचीत के लिए चीन की तरफ से पहल की गई है। उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक मॉस्को में 9 से 11 सितंबर के बीच शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात और LAC विवाद पर बातचीत संभव है। इससे पहले भारत और चीन सैन्य स्तर की बातचीत में सकारात्मक माहौल बनाने के पक्ष में हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री की चीन के राजनीतिक और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बातचीत से सकारात्मक संकेत मिले हैं। 20 अगस्त को वर्किंग मैकेनिज्म स्तर की बातचीत में कोर कमांडर वार्ता को लेकर खाका तैयार हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत में सीमा पर जारी गतिरोध टूटेगा। चीन के विदेश मंत्री यी विशेष प्रतिनिधि भी हैं। भारत की विशेष प्रतिनिधि NSA अजीत डोभाल और यी की बातचीत के बाद चीन गलवान और हॉट स्प्रिंग समेत सभी तनावग्रस्त इलाके से पीछे हटने को तैयार हो गया था, लेकिन बाद में चीन अपनी सहमति से पीछे हट गया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।